subscribe my channel Disclose for Human and press the bell icon to get the notification of my new uploaded video. Hello Nation, welcome to my channel Disclose for Human. तो गाइस स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसमें बी.टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं और किस किस ब्रांच से वो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीएसई आईटी ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ ब्रांच है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 13th August एंड सैलरी फॉर दिस इज 23,000। तो चलिए मेरे वेबसाइट पर जाके पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं मेरे वेबसाइट पे। आई विल गिव द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे आके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक कीजिए। इस पेज में सब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में है। तो पहले ही देख सकते हैं एकदम कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो ये ओपन हो गया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट है 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 13 अगस्त। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पूरा हम देख लेते हैं। तो पहले इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो गाइस ये जो पोस्ट निकला है, ये पोस्ट निकला है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसके लिए फर्स्ट क्लास बी और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें से अगर आपके पास फर्स्ट क्लास बी और बीटेक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है, एज आपका अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स। और जैसे कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए छूट रहता है सरकारी एग्जाम पे, वैसे ही यहाँ पर भी छूट है 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी वाले के लिए, 10 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी गाइस। अब देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 81 पोस्ट, मैकेनिकल 50 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल 3 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस 13 पोस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इज 147। तो आपको जो तनख्वाह मिलेगा वो 23,000 पर मंथ होगा। और जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था, इसके लिए आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 1 साल के बाद ये लोग आपको निकल भी सकता है। और एक बात, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस कुछ स्पेसिफिक फील्ड में चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस फील्ड में, जैसे कि मैकेनिकल वालों के लिए मटेरियल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट सच एस एलसीएम मीटर, नेटवर्क एनालाइजर। अगर इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है फॉर 6 मंथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी दे दिया है, C++, VC++, पाइथन एल्गोरिदम। अगर इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो पहले तो आपको रीजन टेस्ट के लिए बुलाएगा आफ्टर चेकिंग योर एक्सपीरियंस, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। मतलब 2 स्टेज है, एक रीजन टेस्ट है और दूसरा है इंटरव्यू के लिए। और रीजन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, आपका डिसिप्लिन में ही होगा। मतलब मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल में ही आपका एग्जाम होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा या फिर आप मेरे वेबसाइट पे आके डायरेक्ट जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर जाके करियर में जाके रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, इतना स्टेज करना पड़ेगा। आपको ये सब की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, मैं बाद में दिखा दूँगा कैसे। तो यही दे दिया है, आप ये URL लॉगिन है और कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। एट फर्स्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, उसके बाद क्वालिफिकेशन, अगर आपको आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है एडिशनल क्वालिफिकेशन, देन वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस कौन सा फील्ड में था उसके बारे में कुछ लिखना है। अगर आपके पास अगर आपका कोई रिलेटिव बेल में नौकरी कर रहा है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा, ये सब है। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपके पास एक पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो आपको ठीक तरह से रखना है। और जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था 15 अगस्त से 13 अगस्त तक, अगस्त के अंदर ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इधर देखिए कैंडिडेट्स, आपको इंटरव्यू के बाद और रिटन टेस्ट के भी समय पर आपको सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाना पड़ेगा।
अगर आप नहीं ले गए तो आपको एग्जाम पे बैठने नहीं देगा। और गाइस, ये जो मेल आईडी देख रहे हैं ना, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ क्लैरिफिकेशन। हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या क्लैरिफिकेशन है आपके आपके मन में, क्या क्या सवाल है। तो मेरे को जितना मालूम है मैं उतना बोलूँगा, मतलब मैं पूरा कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जवाब देने को, मगर मेरे को हर टाइम पे सब कुछ नहीं मालूम पड़ता है। तो आप उसके लिए इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट अबाउट दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जिसका जिसका रिक्वायरमेंट मैच कर रहे हैं वो लोग जाइए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट मेरे वेबसाइट से जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। ये देखिए डायरेक्ट ओपन हो गया। आपको जैसे कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे बोला था कितना स्टेज, उस स्टेज की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट मेरे वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट एकदम ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेज में आ जाइए, जाके यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई करके अप्लाई कर दीजिए। सो गाइस, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस, यही है इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, कॉमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी and share this video for the other aspirant. And guys, subscribe my channel, join this family. So that's it for today. See you in the next video. Thank you.